नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको एक डोरमेट डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने धागा लिया है। अब मैं इसमें नॉट बनाऊंगी, क्रोचेट से बता रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैं एक पहले नॉट बना लूँगी। अब इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मुझे थोड़ी सी चेन बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 5 से 6 कड़ी की चेन बनानी है। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से राउंड घुमाकर देख लेंगे कि छोटा है या बड़ा। अब इस तरह से हम इसमें निकाल कर अब हम पहले 2 कड़ी की चेन बनाएंगे और इसमें से इस तरह से निकालेंगे। हम इसे इसी तरह से पूरा कवर कर लेंगे, ऐसे ही बना लेंगे हम पूरे को। ये देखिए, ये मैंने पूरे पे बना लिया है। अब हम दूसरा कलर लेंगे, इसे यहीं पे रोकेंगे, इसको थोड़ा लूज करके छोड़ देंगे। और यहाँ से हम ये धागा इस तरह से निकाल कर जैसे हमने पहली नॉट बनाई थी, इसी तरह से नॉट बना लेंगे। इसे अब टाइट करके एक बार इस तरह से ये टाइट कर देंगे। अब हम इस पूरे को कवर करेंगे इसी तरह से। एक बार मैंने इसमें से ये निकाला है, अब अगले में से निकालेंगे। ये 2 बार हो गया, इसमें से हम एक और बार करेंगे। अब हम अगले में से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में से। अब हम हर एक में से एक बार निकालेंगे। ये 2 बार एक एक निकाला है, अब इसमें से हम एक में से 2 बार निकालेंगे। देखिए, इसी में से निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि अब हमारा ये ऊपर का सर्कल बन रहा है तो ये हमारा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ये देखिए, 2 में से एक बार निकालूंगी, फिर मैं 2 में एक एक करके निकालूंगी, फिर एक में से 2 बार निकालूंगी, इसमें से 2 बार निकालूंगी क्योंकि एक एक बार मैंने निकाल दिया है 2 में से। ये देखिए, ये मैंने पूरा कर दिया है। इसको लूज कर देंगे और ब्लू को ले लेंगे। तो इसी तरह से निकालना है। आपको बीच बीच में से एक में से 2 बार निकालना है ताकि आपका ये शेप सही आए, सीधा आए, आपकी शेप बाउल जैसी ना हो। देखिए, अब हम पिंक के ऊपर पूरे को इसी तरह कवर कर लेंगे। ये देखिए, हमें पिंक के ऊपर ब्लू बनाना है, ब्लू के ऊपर पिंक बनाना है। इसी तरह से इसको बनाते रहेंगे आपको पूरे को।
ये देखिए, एक में से दो बार और दो में से एक एक बार इस तरह से निकालते हुए आपको पूरा कवर कर लेना है। ये देखिए, ये ऐसे ही आपका राउंड शेप आएगा। और जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको जितना बड़ा साइज का बनाना है, और इसको इसके ऊपर से इस तरह से बनाते रहेंगे। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, तब आप यहाँ पे इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे करके टाइट खींच दें, और एंड करना हो यहाँ से इसे काट दें, तब आपका ये एंड हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे कंप्लीट कर दें, और ये बड़ा बनाने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।